हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सपोर्ट कैनेडा चैरिटी के जेरे एहतमाम एक गाला का इनेकाद। गाला में मुखैर हजरात ने दिल खोलकर अतियात दिए। PPES का मकसद भारत में बच्चियों के स्कूल कायम करना है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो का मिनी बजट पेश कर दिया गया। महंगाई से निमटने के लिए शहरियों की मामूली मदद शामिल। सेहत की देखभाल के लिए कोई नया मंसूबा नहीं लाया गया। चीन के लिए जासूसी करने वाला हाइड्रोक्यूबिक का मुलाजिम पकड़ा गया। RCMP हाइड्रोक्यूबिक के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। मुलाजिम पर कैनेडा के मफाद को नुकसान पहुंचाने समेत मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए हैं। कैनेडियन वजीर आजम की चीनी सदर से मुलाकात के मामले पर हुकूमत की खामोशी। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि वो चीनी हम मनसब से मुलाकात करेगी। चीन के बारे में कैनेडा का मौकफ वाजा है। चीन के साथ भरपूर मुकाबला जारी रहेगा। जो बाइडन की शी जिनपिंग से मुलाकात। अमरीकी सदर और चीनी सदर की तरजीहात और मसाइल पर खुलकर बातचीत। G20 इजलास का आगाज। चीनी सदर ने 3 तजवीज पेश कर दी। चीनी सदर का G20 ममालिक पर शराय सूद में कमी पर जोर। G20 सरबरा इजलास में यूक्रेनी सदर का भी खिताब। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सपोर्ट कैनेडा चैरिटी के जेरे एहतमाम एक गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें टोरंटो एरिया के मुखैर हजरात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाखों डॉलर्स की फंड रेजिंग की। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सपोर्ट कैनेडा चैरिटी के जेरे एहतमाम एक गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें टोरंटो एरिया के मुखैर हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लाखों डॉलर्स की फंड रेजिंग की। सनरे ग्रुप के रे गुप्ता जी इसने काम के रूहे रवा हैं। PPES का मकसद भारत में बच्चियों के स्कूल कायम करना है। इस सिलसिले में UP के शहर अनूप में परदादा परदादी स्कूल की तालीम याफ्ता 2 बच्चियाँ मेहमान खसूसी की गर्ज से टोरंटो पहुँची थीं, जो स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद अब अमेरिका में स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं। इस तकरीब में चैरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रे गुप्ता, अमर भाटिया और विनोद गीरा ने भी खिताब किया। इस मौके पर टोरंटो की जमा साला मुसन्निफा शरिया गोपाल ने अपने अवार्ड याफ्ता किताब फ्लेमिंगो फेट एंड दी फ्लिप साइड की सेल से हासिल होने वाली रकम $10,000 का चेक इस चैरिटी के लिए पेश किया। 13 साला श्रेया गुप्ता की किताब और कनाडा की चैरिटीज के लिए इनकी खिदमात को बैन अलावामी सतह पर सराहा जा रहा है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत ने अपना मिनी बजट पेश कर दिया, जिसमें महंगाई से निमटने के लिए शहरियों की मामूली मदद शामिल की गई है। ताहाल सेहत की देखभाल के लिए कुछ भी नया नहीं है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत ने अपना मिनी बजट पेश कर दिया, जिसमें महंगाई से निमटने के लिए शहरियों की मामूली मदद शामिल की गई है। ताहम सेहत की देखभाल के लिए कुछ भी नया नहीं है। डगफोर्ड हुकूमत ने पीर के रोज अपना मौसम खजा का मौशी बयान पेश किया, जिसे उसका मिनी बजट भी कहा जाता है, जिसमें गैस टैक्स में कटौती के पहले से ऐलान शुदा तौसी के अलावा इसमें जद्दोजहद करने वाले ऑन्टेरियंस की मदद करने के लिए बहुत कम चीजें हैं, जिन्होंने ग्रोसरी स्टोर पर कीमतों में इजाफा देखा है, जो हाउसिंग के तेजी से बढ़ते अखराजात का सामना कर रहे हैं। मिनी बजट में छोटे कारोबार के लिए टैक्स में कुछ रिलीफ और नए इकदाम शामिल हैं, जो ऑन्टेरियो डिसएबिलिटी की अदायगियां वसूल करने वाले सपोर्ट प्रोग्राम शख्स को अपनी कमाई हुई ज्यादा रकम रखने की इजाज़त देंगे। इसमें एक नज़रसानी शुदा मालियाती अपडेट भी शामिल है। हुकूमत अब 2022 से 2023 में 12.9 बिलियन डॉलर के खसारे का तखमीना लगा रही है, जो 2022 के बजट में
शाया शुदा आउटलुक से तकरीबन 7 अरब डॉलर कम है। यह हुकूमती खजाने में मुतवक्के आमदनी से ज्यादा होने की वजह से है। दरमियानी मुद्दत के दौरान हुकूमत ने 2023 से 2024 में 8.1 बिलियन डॉलर और 2024 से 2025 में 0.7 बिलियन डॉलर के खसारे को कम करने का मंसूबा बनाया है। हुकूमत का कहना है कि वो अगले 3 सालों में ऑन्टारियो के छोटे कारोबारों को इनकम टैक्स में 185 मिलियन डॉलर की रिलीफ फराहम करना चाहती है, जिससे छोटे कारोबारी टैक्स की शरह के मरहले से बाहर होने के मुजवजा तौसी के जरिए तकरीबन 5,500 छोटे कारोबारों को फायदा पहुँचेगा। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने चीन के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हाइड्रो क्यूबैक के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने चीन के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हाइड्रो क्यूबैक के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की जानिब से मुबैना मुलजिम यूशिंग वांग पर तजारती राज हासिल करना, कंप्यूटर का गैर मजाज इस्तेमाल, तजारती राज हासिल करने के लिए धोखाधही और अवामी अफसर के जरिए एतमाद के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। RCMP की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मिस्टर वांग ने मुबैना तौर पर अवामी जमहूरिया चीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, कनाडा के इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए तजारती राज हासिल किए थे। RCMP ने मजीद कहा, दुनिया भर में बहुत से कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए गैर मुल्की अदाकारों की मदाखलत एक तरजीह है। हाइड्रो क्यूबैक को एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्ट्रेटेजिक मफाद समझा जाता है, जिसकी हिफाजत की जाए। हाइड्रो क्यूबैक ने तस्दीक की कि मुलजिम 2016 से मुलाजिम था और उसने कंपनी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी स्टोरेज के साथ बैटरी के मवाद पर एक महक्किक के तौर पर काम किया था। हाइड्रो क्यूबैक के तर्जुमान कैरोलिन डेस रोजियर का कहना था कि जैसे ही हमें पहले इल्जामात की खबर मिली, कंपनी के सिस्टम्स तक वांग की रसाई को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया। RCMP ने कहा कि उसने गुज़िश्ता अगस्त में वांग से तफ्तीश शुरू की थी। वांग पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी ड्यूटी के दौरान वो मालूमात हासिल की जिन तक उसे रसाई हासिल थी। RCMP ने पीर को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह पहला मौका है जब किसी पर तजारती राज हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जो कि सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 19 के तहत एक जुर्म है। अगरचे ये इल्ज़ाम कनाडा के इस्तगासा के लिए नया है, मुल्क में जासूसी शायद ही कोई नया तसव्वुर हो। दर हकीकत एक माहिर मुमालिक के मुकाबले कनाडा में ज़्यादा G7 ने कहा कि दीगर जासूसी की जाती है। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी जासूसी की वजह से कनाडा को सालाना औसतन 100 से 120 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। G20 ممالک کے اجلاس میں کینیڈین وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات کے معاملے پر لبرل حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ G20 ممالک کے اجلاس میں کینیڈین وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات کے معاملے پر لبرل حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی وفاقی حکومت یہ نہیں بتائے گی کہ آیا اس نے چینی صدر شی جن پنگ کو وزیر اعظم جسٹن ٹرو سے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ رہنماؤں پر روس کو مزید تنہا کرنے کے لیے G20 دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹرو نے انڈونیشیا کے شہر بالی میں منعقدہ اجلاس کے دوران کاروباری رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں روس کی وحشیانہ جنگ خوراک اور توانائی کے بحران کو جنم دے رہی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹرو نے انڈونیشیا کے شہر بالی میں منعقدہ اجلاس کے دوران کاروباری رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں روس کی وحشیانہ جنگ خوراک اور توانائی کے بحران کو جنم دے رہی ہے، اس سے سپلائی چین میں خلل پڑ رہا ہے اور زندگی گزارنے کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاندان پریشان ہے کہ وہ میز پر کھانا نہیں رکھ پائیں گے یا سردیوں میں اپنے گھروں کو گرم نہیں کر پائیں گے۔ ٹروڈو دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے انڈونیشیا میں تھے، اس میں شی بھی شامل ہے۔ COVID-19 کی وبا شروع ہونے کے بعد چین سے باہر جو اپنا پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ G20 سربراہی اجلاس اور تھائی لینڈ میں ایشیا پیسیفک اکنامک کارپوریشن کے رہنماؤں کی میٹنگ کے درمیان شی جن پنگ دوسروں کے درمیان درخواست پر سینیگال اور ارجنٹائن کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ٹروڈو دونوں سربراہی اجلاسوں میں ہوں گے۔ پھر بھی جب پوچھا گیا تو ٹروڈو اور خارجہ امور کی وزیر میلانیا جولی نے یہ نہیں بتایا کہ آیا انہوں نے شی جن پنگ سے ملاقات کی خواہش کی تھی۔ اس کے بجائے جولی نے کہا کہ انہیں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بات کرنے کا موقع ملے گا، جیسا کہ انہوں نے جولائی میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا، کینیڈا کے لیے چین کے ساتھ ان کھلے چیلنجز کو جاری رکھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارا موقف واضح ہے۔
ट्रूडो ने पीर को बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से मुलाकात की और वो अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान इन्हें बताया कि अमरीका चीन के साथ भरपूर मुकाबला जारी रखेगा, लेकिन ये मुकाबला हरगिज तनाज़ा में तब्दील नहीं होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि अमरीका चीन के साथ भरपूर मुकाबला जारी रखेगा, लेकिन ये मुकाबला हर किस तनाज़े में तब्दील नहीं होना चाहिए। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात 3 घंटे जारी रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात का मकसद अमरीका चीन मुसाकत को तनाज़ात की नज़र होने से रोकना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा कि सदर बाइडन और सदर शी ने इत्तेफाक को दोहराया कि एटमी जंग कभी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही जीता जाना चाहिए। दोनों सदूर ने यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी के खिलाफ अपनी पोजीशन को वाज़े किया। रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को थी कि बाइडन की जानिब से ओहदा संभालने के बाद सदर शी के साथ G20 सरबराही इजलास के साइडलाइन पर पहली बिलमुशाफा मुलाकात में यूक्रेन जंग मौजू गुफ्तगू रहेगा। उधर व्हाइट हाउस का कहना है कि बाली में अमरीकी सदर और चीनी सदर ने तरजीहात और मसाइल पर खुलकर बात की। व्हाइट हाउस का कहना है कि बाइडन ने चीन की जानिब से ताइवान के खिलाफ बढ़ते जारहाना इकदामात पर एतराज़ किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात तकरीबन 3 घंटे जारी रही, जिसमें जो बाइडन ने बताया दुनिया को शुमाली कोरिया की हौसला अफजाई करना चाहिए कि वो जिम्मेदाराना तरफ अमल अपनाए। उधर चीन ने कहा कि मुलाकात में सदर शी ने अमरीकी हम मनसब को आगाह किया, हमें यूक्रेन के हालात पर सख्त तशवीश है। चीनी हुकाम यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत की बहाली के ना सिर्फ मुंतजर हैं बल्कि उसकी हिमायत भी करते हैं। ताइवान के सवाल पर चीनी सदर ने कहा कि ताइवान चीन के बुनियादी मफादात का मरकज है। ताइवान सुर्ख लकीर है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में उबूर नहीं होनी चाहिए। किसी का ताइवान को चीन से अलहदा देखना चीनी कौम के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगा। ताइवान का मसला हल करना चीन का अंदरूनी मामला है। उम्मीद है अमरीका वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करते हुए अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाएगा। सदर बाइडन ने यूक्रेन में रूसी जंग पर सदर शी जिनपिंग से बात की। बाइडन शी जिनपिंग ने इत्तेफाक किया कि जौहरी जंग कभी नहीं होनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की मुखालफत की। इंडोनेशिया के शहर बाली में 2 रोज़ा G20 सरबरा इजलास का आगाज हो गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए 3 तजावीज़ पेश की, जबकि यूक्रेनी सदर ने इजलास से वीडियो खिताब किया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया के शहर बाली में 2 रोज़ा G20 सरबराह इजलास का आगाज हो गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए 3 तजावीज़ पेश की, जबकि यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने इजलास से वीडियो खिताब किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने G20 ममालिक पर शरह सूद में कमी पर जोर देते हुए कहा है कि दौलतमंद ममालिक शरह सूद में इजाफे के सबब होने वाले नुकसान को रोकें। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए 3 तजावीज़ पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर आलमी तरक्की को फ़रोग देने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ ममालिक ने यूक्रेन में रूस की जहरियत की मजम्मत की। चीनी सदर ने कहा कि तरक्की याफ्ता मईशतों को मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट के मनफी असरात को कम और कर्ज़ों को पायदार सतह पर मुस्तहकम करना चाहिए। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हमें खुराक और तवानाई के मसाइल को सियासी बनाने की सख्ती से मुखालफत करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नज़रियाती और सियासी मुखालफत दुनिया को तकसीम करने का सबब बनेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने G20 इजलास से वीडियो खिताब किया। उनका कहना है कि वक्त आ गया है कि रूस की तबाहकुन जंग को ख़त्म किया जाए और हज़ारों जानें बचाई जाएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में मुख्तलिफ ममालिक पर यूक्रेन से अनाज के मुहैदे में तौसी पर भी जोर दिया। वाज़ेह रहे कि इंडोनेशिया के जजीरे बाली में दुनिया के बड़े मौशी ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप G20 का सरबराही इजलास का आगाज हो गया है, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन, चीन के सदर शी जिनपिंग, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब उर्दवान समेत ग्रुप के दीगर रुकन ममालिक के कायदीन शिरकत कर रहे हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.